वेलकम बैक फ्रेंड, मैं नंद श्रीवास्तव आपके यूट्यूब चैनल इंडलस स्टडी सेंटर पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। और आज आप लोगों के लिए मैं मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेकर आया हूं। और इसके पहले मैंने आप लोगों को 4 प्रैक्टिस सेट दिए हुए मैथ के, तो यदि आप उस प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से उस प्रैक्टिस सेट को जाकर देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप अपने मार्क्स ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि पहले जो कमेंट आते हैं उनके, जो मैं अगला नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट जब इसका बनाऊंगा तो आप लोगों के मार्क्स जो पहले कमेंट आएंगे उसका मार्क्स जो मैं अगले प्रैक्टिस सेट में अनाउंस करूंगा। तो अब फोर्थ नंबर जो प्रैक्टिस सेट में सबसे पहले कमेंट आए हुए थे 2, उसमें से पहला कमेंट जो था श्वेता चौहान जी का था, जिनके 20 मार्क्स सही थे। सेकेंड कमेंट जो था सुनील जी का था, 29 मार्क्स इनके सही थे। तो 20 प्लस ही हैं या 20 है ऑन एवरेज, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा आप लोगों का परफॉर्मेंस है। इसी तरह आप लोग स्टडी करते रहिए और प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करते रहिए, और बहुत जल्द ही मैं एक तरीके से स्टडी मटेरियल्स सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज जो है मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराने वाला हूं, ठीक है। तो जब ये प्रैक्टिस सेट 10-10 जब हो जाएंगे, उसके बाद जैसा भी आप लोग अब फीडबैक देंगे प्रैक्टिस सेट के लिए कहेंगे तो प्रैक्टिस सेट दूंगा, और यदि आप स्टडी मटेरियल की बात करेंगे तो मैं स्टडी मटेरियल को प्रोवाइड कराऊँगा, ठीक है। तो अब वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से ये कहूँगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर डेली ही ऐसे आप लोगों को प्रैक्टिस सेट लेटेस्ट न्यूज़ और ऑथेंटिक नोट्स मिलने वाले हैं। और आप चाहे सीटेट की तैयारी करो या किसी भी प्रदेश स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी करो, यूपी टेट, बिहार टेट, राजस्थान टेट, तो आपके लिए चैनल काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो सकता है। देखिए, मैथ का जो मैं प्रैक्टिस सेट देता हूँ उसमें से मैं आंसर बताता हूँ, और यदि आपका किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और उसका जो सॉल्व है मैं उसको नेक्स्ट वीडियो जब मैं इसका बनाऊँगा प्रैक्टिस सेट का, तो उसमें आप लोगों को दूंगा। और अभी हाल ही में एक हमारे YouTube मेंबर का 2 क्वेश्चन का कमेंट था, तो मैं उसको अभी इंक्लूड नहीं कर पाया हूं, लेकिन बहुत जल्द ही मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगा इंक्लूड करके। तो पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का है कि यदि 51.84 अपान 4.32 इक्वल 12 हो, तो 0.005184 अपान 0.432 का मान क्या होगा। ऑप्शन आपके ए बी सी डी दिए हुए हैं, तो इसमें से आंसर जो आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। 91 का जो आंसर होगा डी सही हो जाएगा। आप लोग सॉल्व करिएगा, कोई प्रॉब्लम होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 92 का देखते हैं, रवि के गुल्लक में केवल 50 पैसे तथा ₹1 के सिक्के हैं, तथा दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या समान है। 50 पैसे की 1/3 सिक्के तथा ₹1 के 1/4 सिक्के निकाल देने पर गुल्लक में ₹26 अवशेष बचते हैं, तो प्रारंभ में गुल्लक में सिक्कों की संख्या कितनी थी। ऑप्शन ए 36, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 54 और ऑप्शन डी 48। तो इसका सही जो आंसर सही हो जाएगा, यानी 92 का डी सही हो जाएगा, 48 जो है संख्या थी। और आज की सीरीज का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, 94, या 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ए बी सी इस प्रकार हों कि ए जो है लेस देन बी और बी जो है लेस देन सी, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा। इसमें से 4 विकल्प आपके सामने हैं, तो 94 का जो सही आंसर हो जाएगा, यानी विकल्प जो सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। इसमें से आप ऑप्शन को चेक कर सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। 95 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 1/5 डिवाइडेड बाई 1/5 का 1/5 फिर सब डिवाइडेड बाई, इसमें दिया हुआ है कि सरलीकरण करना है, यानी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 95 का सी सही हो जाएगा, यानी 25 जो है इसके आंसर सही हो जाएंगे। 96 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है एवं शेषफल का 5 गुना है, यह शेषफल 46 हो तो भाज होगा। इसका जो सूत्र होता है उसके अकॉर्डिंग इसमें इसको रख के आप मान को सब्स्टिट्यूट करके जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 96 का सही आंसर हो जाएगा डी, यानी 5336। 97 नंबर क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 3 चौराहों की ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 1 मिनट 75 सेकंड और 90 सेकंड के बाद बदलती है, यदि वे 7:50 AM यानी 7:50 AM पर टाइम दिया हुआ है, 7:50 AM पर बदलें तो वह पुनः 1:07 कब बदलेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन LCM SCF का है, और इस टाइप के भी एक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, वो चाहे दौड़ से संबंधित क्वेश्चन करके दे दें, चाहे ये लाइट वगैरह से रिलेटेड करके दे दें। तो 97 का सही आंसर हो जाएगा सी, यानी 8:05 सुबह पर जो है 1:07 फिर वो बदलेंगे।
देखिए चाहूँ तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व भी करा सकता हूँ साथ ही साथ, लेकिन यह है कि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और उससे फिर रहेगा आप लोग थोड़ा सॉल्व करने में परेशानी होगी। तो आप लोग ऐसे सॉल्व करिए और आई होप कि ये काफ़ी तरीका सही है। इसके पहले जब मैंने पहला प्रैक्टिस सेट दिया हुआ था मैथ का, उसमें आप लोगों से मैंने पूछा भी हुआ था कि मैथ को सॉल्व करा के एक साथ ही वीडियो पोस्ट किया जाए या फिर पहले क्वेश्चन दे दिया जाए, तो आप लोगों ने कहा हुआ था क्वेश्चन दीजिए। इसी प्रकार इसीलिए मैं उसी टाइप की अब सिर्फ क्वेश्चन ही पोस्ट कर रहा हूँ और आंसर बता दे रहा हूँ, और आप लोगों के क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस बात के लिए। 98 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। यद 1.2x इक्वल जो होता है 0.3y, तो y माइनस एक्स अपान वाई प्लस एक्स का मान क्या होगा? तो 98 का सही आंसर जो हो जाएगा डी सही हो जाएगा, यानी 0.6 हो जाएगा। 99 क्वेश्चन नंबर। दिए गए दंड आरेख में एक फॉर्म का वर्ष 2009 से 2014 तक का गेहूं उत्पादन टन में दर्शाया गया है। विषम वर्षों का कुल उत्पादन सम वर्षों के कुल उत्पादन का कितना गुना है? यानी आपका ये DI से क्वेश्चन है, तो इसमें आपको दिया हुआ है, आप क्वेश्चन को देख लीजिए और ये DI फॉर्मेट है इसका, और इसका ऑप्शन जो दिया हुआ है ABCD, तो 99 का सही आंसर हो जाएगा B, यानी कि 0.75 इसका सही आंसर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन नंबर देखते हैं। प्रिया गणितीय प्रश्न करने में निपुण है, उसमें किस प्रकार की बहुबौद्धिकता की अधिकता है? तो इसका ऑप्शन ए भाषाई बुद्धि, ऑप्शन बी तार्किक बुद्धि, ऑप्शन सी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, और ऑप्शन डी मनोगत्यात्मक बुद्धि। तो 100 का सही आंसर सही हो जाएगा जो है बी सही हो जाएगा, यानी उसमें जो है तार्किक बुद्धि की अधिकता है। पैडागोगी टाइप क्वेश्चन भी आपको CTET और राज्य स्तरीय टेट में भी देखने को मिलेंगे, इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया। और अगर मैं CTET की बात करूँ तो वहाँ पे आपको कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन कम मिलेंगे और पैडागोगी टाइप वाले क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे। 101 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। एक कस्बे के 1000 निवासियों में से 60% पुरुष हैं, जिनमें से 20% साक्षर हैं। यदि कुल 25% निवासी साक्षर हों तो कस्बे की कितनी प्रतिशत महिलाएं जो हैं साक्षर हैं? ऑप्शन ए 30%, ऑप्शन बी 37.5%, ऑप्शन सी 35%, और ऑप्शन डी 32.5%। तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा डी सी हो जाएगा 32.5%। 102 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। दी गई वर्गाकार आकृति का कितना भाग छायांकित है? तो आप इसमें से काउंट करिएगा, यानी इस पूरे आकृति का कितना भाग जो है छायांकित है। तो 102 का सही आंसर जो हो जाएगा ए सही हो जाएगा, यानी 1/2 भाग जो है छायांकित है। 103 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध गलत है? आपको पहले भी मैं बताया हूँ कि एक क्वेश्चन जो होता है आपके पैमाने से क्वेश्चन होता है, तो उसी प्रकार का या उसी टाइप का एक क्वेश्चन आपको यहाँ मिल रहा है। ABCD चार ऑप्शन दिए गए हुए हैं, तो पूछ रहा है इसमें से कौन सा संबंध गलत है। तो 103 का आंसर जो सही हो जाएगा बी सही हो जाएगा, यानी 10^-2 डेकामीटर इक्वल 1 सेंटीमीटर होता है, ये पैमाना यहाँ पर गलत है। 104 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु पर अंकित मूल का 64% है, खरीद पर 12% की छूट देने का प्रतिशत लाभ क्या होगा? ऑप्शन ए 52%, ऑप्शन बी 24%, ऑप्शन सी 42.5%, और ऑप्शन डी 37.5%। तो परसेंटेज से भी क्वेश्चन आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से, इसलिए इस चैप्टर को भी आप रिवाइज कर लीजिएगा। वैसे जब मैं नोट्स से प्रोवाइड कराऊंगा तो सारे चैप्टर को बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करके आप लोगों को कवर कराने की कोशिश करूंगा। तो 104 का जो क्वेश्चन सही हो जाएगा डी सही हो जाएगा, यानी 37.5% जो रहेगा प्रतिशत लाभ रहेगा। 105 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। किस प्रकार के मूल्यांकन का मुख्य अभिप्राय विद्यार्थियों को फीडबैक देना है? ऑप्शन ए रचनात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन बी निदानात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन सी सारांशात्मक मूल्यांकन, और ऑप्शन बी भविष्यात्मक मूल्यांकन। तो 105 का जो सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, रचनात्मक मूल्यांकन जो है। क्वेश्चन पूछा था किस प्रकार के मूल्यांकन का मुख्य अभिप्राय विद्यार्थियों को फीडबैक देना है, तो रचनात्मक मूल्यांकन का ही अभिप्राय जो है विद्यार्थियों को फीडबैक देना है। 106 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ये भी सिंप्लीफिकेशन का है, आपको दिया हुआ है 1/√3, 1/√2, 1/√3, 1/√4, 1/√4, 1/√5 और 1/√5 + 6 का मान क्या होगा? तो 106 का इसको आपको सरलीकरण करना है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा डी सही हो जाएगा, यानी 1/√2 और ब्रैकेट में 1/√3 - 1 हो जाएगा। 107 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 24 घनों को परस्पर जोड़कर एक ठोस घनाभ बनाया जाता है, यदि इस घनाभ के आधार का परिमाप 12 सेंटीमीटर हो तो घनाभ की ऊंचाई क्या होगी? ऑप्शन ए 1 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 3 सेंटीमीटर, और ऑप्शन डी 4 सेंटीमीटर। तो 107 का जो सही आंसर हो जाएगा सी सही हो जाएगा, यानी 3 सेंटीमीटर जो हो जाएगी एक ठोस घनाभ, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 24 घनों को परस्पर जोड़कर एक ठोस घनाभ बनाया जाता है, तो जो ये नया घनाभ बनेगा
किस घनाभ का परिमाप जो होगा वो 107 का सही आंसर जो हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, यानी 3 सेंटीमीटर नए घनाभ की ऊंचाई हो जाएगी। 108 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, रवि और अली की कुल उम्र, अली तथा जान की कुल उम्र से 10 वर्ष अधिक है, जान रवि से कितने वर्ष का छोटा है? ऑप्शन ए 10 वर्ष, ऑप्शन बी 20 वर्ष, ऑप्शन सी ज्ञात नहीं किया जा सकता और ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 108 का सही आंसर ए सही हो जाएगा, यानी 10 वर्ष जो है रवि से छोटा होगा। 109 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, यदि n एक ऋणात्मक संख्या हो तो निम्नलिखित में से कौन सबसे न्यून है यानी सबसे कम है? ए 0, ऑप्शन बी -n, ऑप्शन सी 2n और ऑप्शन डी n का पावर 2 यानी n स्क्वायर। तो 109 का सही आंसर हो जाएगा सी, यानी 2n हो जाएगा। यानी क्वेश्चन कह रहा था यदि n कोई एक संख्या है वो ऋणात्मक है तो निम्नलिखित में से कौन सबसे न्यून होगा यानी सबसे छोटा कौन सा होगा, तो n से जो ज़्यादा होगा वही छोटा होगा क्योंकि n ऑलरेडी ऋणात्मक है। ठीक है, अगर जीरो की बात करें, जीरो प्लस में है तो वो बड़ा होगा, माइनस n इक्वल हो जाएगा उसी के, और n स्क्वायर माइनस माइनस हट जाएगा, प्लस में आ जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो 2n ही रहेगा जो सबसे छोटा रहेगा। 110 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, यदि एक शिक्षक को विषय बेलन तथा शंकु के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ाना है, शिक्षण का कौशल प्राप्त उद्देश्य होगा, यानी कोई शिक्षक है और उसे सब्जेक्ट के रूप में बेलन तथा शंकु के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल को आज पढ़ाना है, तो शिक्षण का कौशल प्राप्त उद्देश्य क्या होगा? तो 110 का सही आंसर बी हो जाएगा, शिक्षार्थी एक बेलन और एक शंकु की आकृति बना पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 111, एक दुपहिया के आगे वाले पहिया की परिधि 6 फीट है तथा पीछे वाले पहिया, तो आपको ज्योमेट्री संबंधित भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन 111 है, एक दुपहिया के आगे वाली पहिया की परिधि 6 फीट तथा पीछे वाली पहिया की परिधि 9 फीट है, यक्ष दूरी चलने में आगे वाला पहिया पिछली पहिया से 10 चक्कर अधिक लगाता है, तो यक्ष का मान क्या हो जाएगा? तो इसमें से ए बी सी डी ऑप्शन दिए आ गए हैं आपको, तो 111 का सही आंसर जो हो जाएगा डी सही हो जाएगा, यानी 180 फीट हो जाएगा। 112 का देखते हैं, 3:40 यानी दोपहर के बाद के हैं, 3:40 PM जो है, पर घड़ी के घंटे की सुई तथा मिनट की सुई के बीच का कोण होगा, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सीटेट और सभी प्रदेश स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में। तो ऑप्शन ए 150 अंश, ऑप्शन बी 140 अंश, ऑप्शन सी 130 अंश और ऑप्शन डी 135 अंश। तो 112 का सही आंसर हो जाएगा सी, यानी 130 अंश जो हो जाएंगे इन दोनों के बीच में बना कोण हो जाएगा। 113 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, एक बेलन, एक अर्धगोला तथा एक शंकु एक समान आधार पर स्थित हैं तथा उनकी ऊंचाइयां समान हैं, उनके आयतनों में अनुपात होगा, आप में यहाँ ऑप्शन 4 दिए गए हुए हैं ए बी सी डी। तो 113 का सही आंसर जो सही हो जाएगा ए सही हो जाएगा, यानी 3:2:1 का जो है इनमें रेशियो हो जाएगा। 114 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, सिंप्लीफिकेशन से संबंधित है और परसेंट से भी संबंधित है, यद 4 का पावर नहीं दिया गया, हाइट है का परसेंट इक्वल दिया हुआ है 51.2, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा, यानी 4 का जो है कितना पावर होगा? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 10 हो जाएगा। तो 114 का सही आंसर जो सही हो जाएगा बी सही हो जाएगा, यानी 4 का पावर जो है वो 5 आ जाएगा। 150 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, गणित के अधिगम के प्रति शिक्षार्थी की संवेदनशीलता जागृत करने के लिए प्रभावी उपाय है, तो कौन सा उपाय है? इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा 115 क्वेश्चन नंबर का डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी ये चारों जो इसमें से विकल्प दिए गए हैं ये चारों विकल्प सही हो जाएंगे। और 160 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में ₹500 तथा 4 वर्ष में ₹900 हो जाता है, वह धन होगा? ऑप्शन ए 100 रुपीज़, ऑप्शन बी 200 रुपीज़ और ऑप्शन सी 300 रुपीज़ और ऑप्शन डी 400 रुपीज़। तो आपको मैं बता दूं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से भी एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा आपको। तो 116 का सही आंसर हो जाएगा ए 100 रुपीज़ हो जाएगा, वह धन जो रहेगा कितना रहेगा 100 रुपीज़ हो जाएगा। 170 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, सिंप्लीफिकेशन का है और इसमें से आपको मान बताना है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 117 क्वेश्चन नंबर का डी सही हो जाएगा, 0.125 जो है इसका सही वैल्यू आ जाएगा। 118 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, घनाभ के 3 संगत फलकों के क्षेत्रफल क्रमशः एक्स वाई और जेड हैं, घनाभ का आयतन क्या होगा? तो घन घनाभ यानी मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन आपको आते हैं, क्वेश्चन सीटेट या फिर यूपीटेट की बात मैं करूँ या किसी भी प्रदेश स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की मैं बात करूँ, तो 118 का सही आंसर जो हो जाएगा सी सही हो जाएगा, यानी अंडर रूट में एक्स वाई जेड हो जाएगा।
और 119 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 100 तथा 300 के मध्य कितनी संख्याएं सात से विभाज्य होंगी। ऑप्शन ए 42, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 35 और ऑप्शन डी 31। तो 119 का सही आंसर हो जाएगा बी, यानी 28 जो रहेगा ये संख्या से विभाज्य होगा। 120 क्वेश्चन नंबर आज के सीरीज का लास्ट प्रश्न देखते हैं, किसी प्रमेय की परिकल्पना और निष्कर्ष को परस्पर बदलने से प्राप्त कथन कहलाता है। ऑप्शन ए प्रमेय का विलोम, ऑप्शन बी प्रमेय का प्रतिलोम, ऑप्शन सी प्रमेय का प्रतिधनात्मक और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 120 का सही आंसर जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा, प्रमेय का विलोम कहलाता है। तो आज की सीरीज के 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। तो यदि क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और उसे संबंधित अपने व्हाट्सएप और व्यापिक ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही लेटेस्ट आपको ऑथेंटिक नोट्स और वीडियो और लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू।